हो गए। हमास की जानिब से 13 इसराइली और 7 गैर मुल्कों को रिहा कर दिया गया। रिहाई पाने वाले अफराद को हलाल अहमर की मदद से मिस्र रवाना कर दिया गया। यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक रुकावट का खात्मा कतर और मिस्र की कोशिशों से मुमकिन हुआ। हमास की जानिब से 20 यरगमालियों की रिहाई के बदले इसराइल ने जंगबंदी की डील के तहत 39 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। कतरी तर्जुमान के मुताबिक रिहाई पाने वाले फलस्तीनी कैदियों में 33 बच्चे और 6 खवातीन शामिल हैं। समझने से कासिर हूँ मुझे जेल क्यों भेजा गया। 1999 में भी सुबह मुल्का वजीर आजम था, शाम को हाई जकर बन गया। कोशिश की गई कि मुझे सजाएं मौत हो जाए। पॉलिसी पर अमल तभी होगा जब बाकी सारे मामला ठीक होंगे। हंसते बसते मुल्क को जब ऐसे लोगों के हवाले करेंगे तो फिर यही हाल होगा। इस वक्त मुल्क में सिक्योरिटी चैलेंजेस पहले से ज्यादा हैं। इन चैलेंजेस को सियासी अमल से नहीं जोड़ना चाहते। हुकूमत शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाए। आवाम से वोट लेने के लिए महरूमी कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। पीटीआई को सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल इजाज़त है। पीटीआई समेत किसी जमात को जलसों रैलियों से नहीं रोका। पंजाब के मरकजी शहर लाहौर में स्मोक के बायस आज मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। स्मोक से मुतासरा इस्लाम में नकलो हमल में दूर रखने का हुक्म। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जवेद ने मुतासरा इस्लाम में पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुजरांवाला, मुल्तान, सरगोधा, फैसलाबाद, साहिबाल डिवीजन के तमाम इस्लाम पर पाबंदियाँ लागू होंगी। इतवार के रोज़ बाजार 3-4 बजे के बाद खोले जा सकेंगे।